राजस्थानी फूड खाने का मन कर रहा है या आपके घर में ग्रीन वेजिटेबल नहीं है तो उस टाइम आप बना सकते हैं राजस्थान के स्पेशल गट्टे की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, वेलकम टू प्रियांत किचन। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल की न्यू रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए हम गट्टे की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गट्टे की सब्जी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन, 1.5 कप कर्ड, 1 मीडियम चॉप्ड अनियन, 3 to 4 चॉप्ड ग्रीन चिली एंड यहाँ पे मैंने लिया 6 to 7 गार्लिक, 2 टेबलस्पून घी एंड 5 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे मैंने लिया कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून जीरा एंड सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। तो चलिए गट्टे की सब्जी बनाने स्टार्ट करते हैं। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे गट्टे। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सिंग बाउल, इसमें हम डालेंगे बेसन। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल लेंगे। यहाँ पे मैं डालूंगा 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, 1 टेबल स्पून अजवाइन। इसको हम थोड़ा रब कर लेंगे, ये हम डाल देंगे। अजवाइन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। इसमें मैं डालूंगा 1 टेबल स्पून देसी घी। इसमें हम 3 टेबल स्पून कर्ड भी ऐड कर देंगे। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। डो को रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया गुनगुना वाटर। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आप एक साथ इसमें पानी ना डालिएगा। तो ये हमारा सॉफ्ट डो बनकर रेडी है। इससे अब हम गट्टे बना लेंगे। इसके लिए इसमें से मैं छोटा सा पोर्शन लूंगा। अब इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये मैंने रोल कर लिया है। ऐसे ही मैं बाकी गट्टे बनाकर रेडी कर लूंगा। तो ये मैंने सारे गट्टे बनाकर रेडी कर लिए हैं। गट्टे को पकाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाला है। अब इसे हम बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया है। इसमें हम एक एक करके गट्टे डाल देंगे। तो ये मैंने इसमें सारे गट्टे डाल दिए हैं। आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब हम इसमें गट्टे डालें तो जो इसका पानी हो वो अच्छे से उबलता हुआ होना चाहिए, अदरवाइज जो आपके गट्टे हैं वो टूट सकते हैं। इसे हम 12 टू 14 मिनट के लिए पकने देंगे। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए। जब तक हमारे गट्टे पक रहे हैं हम दही का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाले अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे मसाले दही में मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे 12 टू 14 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे गट्टे पक चुके हैं। मैं गैस की फ्लेम बंद करूंगा। अब हम गट्टे को निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके गट्टे पके नहीं हैं, तो इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए और पका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गट्टे को निकाल लिया है पानी से और इसे हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे गट्टे हैं वो काफी सॉफ्ट बने हैं। जब हम गट्टे के लिए डो रेडी करते हैं तो उस टाइम आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें पानी ज्यादा भी नहीं डालना है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो गट्टे जो रहेंगे वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और उसे पकने में काफी टाइम लगेगा। और अगर आप कम पानी डालते हैं तो जो गट्टे का डो रहेगा वो हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने की वजह से आपके जो गट्टे रहेंगे वो टूट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गट्टे को कट कर लिया है। इसे अब हम साइड में रख लेंगे। ये जो गट्टे वाला पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम साइड में रख लेंगे और इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब हम गट्टे के लिए ग्रेवी रेडी कर लेंगे। ग्रेवी रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे जीरा, चुटकी भर हींग, ग्रीन चिली, मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लहसुन भी डाल देंगे। लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। लहसुन को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसे फ्राई होने देंगे थोड़ा। अब इसमें हम डाल लेंगे अनियन, मिक्स कर लेंगे। अब हम अनियन को ब्राउन होने देंगे। यहाँ पे हमारे अनियन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं।
अगर आप अनियन एंड लहसुन नहीं खाते तो भी आप गट्टे की सब्जी को बिना अनियन एंड लहसुन के बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा कर्ड, ध्यान रखिएगा कि कर्ड डालने के बाद इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है, अगर आप इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाएंगे तो ये फट सकता है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब इसे हम 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये मसाले हैं वो ऑयल छोड़ना चालू कर दिया है, तो ये मसाले अच्छे से पक गए हैं। इसमें अब हम गट्टे डाल देंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम मसालों को गट्टे के साथ 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये हमारे गट्टे थे वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखने में काफी टेस्टी भी दिख रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये वाटर, ये वाटर सेम वाटर है जो हमने गट्टे को बॉइल करने के टाइम पे यूज किया था। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे गट्टे की सब्जी बनकर रेडी है। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा बारीक धनिया डालेंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे। मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगा, इसकी अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। ये हमारी गट्टे की सब्जी बनकर रेडी है। गट्टे की सब्जी बनाने में काफी इजी होती है, बस इसके लिए आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना होता है जो कि मैंने सब्जी बनाने के टाइम पे आपको बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर रेसिपी।